इस बार तो आपने मुजम्मल साहब हैरान कर दिए। आपने माल ही नहीं भिजवाया अभी तक। जफर साहब, पिछले माल की पेमेंट क्लियर करेंगे तो आगे स्टैंड लेंगे ना। क्या मतलब? खालिद साहब मिल नहीं रहे, मेरा फोन वो उठा नहीं रहे। मैनेजर से जब पूछो वो कहता है कि आपके चेकों पर भी खालिद साहब ने साइन नहीं किए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे वो तो आज इत्तेफाक से मैं आपके कारखाने की तरफ आ गया तो यहाँ आके पता चला कि क्या पता चला? ये कि वो खालिद साहब की बेटी। सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन कारोबार को तो डिस्टर्ब ना करें। जफर साहब आप अच्छी तरह जानते, शोक 3 दिन का होता है और यहाँ तो हफ्तों गुजर गए। मैं आपको ये बताने आया था कि मेरे गोदाम में ज्यादा जगह नहीं है, आप पैसे दें और अपना माल उठा लें। अब देखे ना, परेशानी बता के तो नहीं आती ना। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन जिनकी जवान औलादें जिस डगर पे चल रही हो, माँ बाप को सब पता होता है। अब आपके कारखाने में हर शख्स इसी टॉपिक पर बात कर रहा है। खालिद साहब की तो अकड़ टूट गई। मुजम्मिल साहब, आप कारोबारी डीलर हैं, ये मेरे घर का मसला है, इसको आप ऑफिस में डिस्कस ना करें तो ही बेहतर होगा आपके लिए। माफ कीजिएगा सफर साहब, मुझे आपका अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। जिनकी लड़कियां उनका सर झुका देती हैं, उन्हें बहुत थम के बात करनी चाहिए, समझे? कल सुबह तक पेमेंट जमा करा दीजिएगा। और हाँ, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है और आपका दिल दुखा है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन जवान बेटी के बाप को सोचना चाहिए, ये मेरा आपको मशवरा है। चलता हूं मैं। ढके ढके ये लोग बातें करेंगे।